एवरीवन, इजी बिजी किचन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं फोंडू बे। ये सिंधी रेसिपी है, इसको आप लोग बहुत इजीली स्नैक्स में भी ले सकते हैं। देखिए, ये है कमल ककड़ी भी इसको बोलते हैं, ये है हमारी बे, इसको कमल ककड़ी भी बोलते हैं, लोटस रूट जिसको हम लोग बोलते हैं। इसको हमने अच्छे से पील कर लिया है, पील करने के बाद इसको हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद कुछ ये शेप दे दी है, इसको हमने अच्छे से धो के पानी से धो लिया। इसके बाद हमें चाहिए जीरा, लौंग, भुना हुआ जीरा, वाटर, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट एंड तड़के के लिए हल्का सा वेजिटेबल ऑयल। इस समय सीजन है तो लहसुन, गार्लिक और हरी धनिया हमने रख ली है, ये ग्रीन चिली हमने कट कर ली है एंड ब्लैक पेपर। चलिए इसके बनाना विधि स्टार्ट करते हैं। फ्लेम हमने ऑन कर दी है और प्रेशर कुकर रख दिया है। अब इसमें हम लोग देखिए, ये हमने लेटर डाल रहे हैं और इसमें हल्का सा वाटर ऐड करना है, जैसे कि केवल हमें ये प्रेशर में गलाने हैं। बस इसको ऐसे करके इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। जब तक हम ये तस्वीर को लोटस रूट को हम लोग मसल दिलवा रहे हैं, तब तक हम लोग यहाँ पर इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ ये तवा रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दी है और इस तवे पर हम लोग लौंग की जो हमने के साथ लौंग दिए हैं इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। लौंग हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और हम लोग ये फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद तब इसको सिकने ही दें इस पर। देखिए, लौंग हमारी अच्छे से सिक चुकी है, इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे। ये शिफ्ट करने के बाद हमने इसको चकले पर रख दिया। चकले पर रखने के बाद इसको हम लोग बेलन की सहायता से क्रश करेंगे। देखिए, हमने इसको क्रश कर लिया है बेलन की सहायता से। चलिए आइए, तब तक हम लोग लोटस रूट को देख लेते हैं कि वो गले हैं या नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। आइए चेक करते हैं। देखिए, लग रहा है कि हमारे अच्छे से पक चुके हैं। इसको टूथपिक या उसकी नाइफ की सहायता से इसको चेक कर सकते हैं। अब इसको किसी बाउल में शिफ्ट करते हैं। ये हमने बाउल में शिफ्ट कर दिया, अब फ्लेम ऑन करते हैं। हमने फ्लेम ऑन कर दिए और वही प्रेशर कुकर रख दिया है गैस पे। अब इसमें हल्का सा हम लोग वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे, एक चम्मच के टेबल स्पून इस पर हम लोग डालेंगे। इसको गर्म होने दें। गर्म होने के बाद इसमें हल्का सा जीरा ऐड करेंगे। जीरा हमारा भुन चुका है, अब हम लोग इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे, ग्रीन गार्लिक ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे लोटस रूट। अब हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा और जो हमने लौंग भून के क्रश करी थी वो ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग ब्लैक पेपर और इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे।
देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम लोग प्रेशर कुकर बंद करेंगे। देखिए हमने प्रेशर कुकर फिर से लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद इसे हमें ऐसे टर्न फ्लेम ऑफ कर देनी है। फ्लेम ऑफ कर देने के बाद मुझे ऐसे से टर्न करना है। ये अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है। इसको अच्छे से प्रोसेस को करना है करीबन 2 मिनट तक के। A few moments later. आइए अब हम लोग प्रेशर कुकर को विसल को देखते हैं कि ये पूरी तरीके से विसल हवा निकली है कि नहीं। जब ये पूरी निकल जाए तब हम लोग इसको ढक्कन को ओपन करते हैं और सर्विंग के लिए सर्व करते हैं। चलिए आइए हमने इसको सर्विंग के लिए सर्व कर लिया है और आपको दिखा दिया है। अगर ये मेथड आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड आप भी ट्राई करें। इस चैनल को देखने के लिए थैंक यू।